एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं स्लाइड मास्टर, जो कहाँ होता है, एमएस पावर पॉइंट के व्यू टैब में इस जगह पर होता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर आएगा आपका ये मास्टर स्लाइड है, उसके बाद ये सब स्लाइड है। अगर आप मास्टर स्लाइड में एडिट करते हैं, जैसे यहाँ इसके फॉन्ट को अगर आप चेंज करते हैं, इसके फॉन्ट को आप क्या करते हो, आप इसके फॉन्ट को होम टैब पर जाकर, अगर आप इसके होम टैब को क्या करते हैं, स्टाइल चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसका कलर आप चेंज कर देते हो, ठीक है, तो जो वो जो इसमें चेंज करते हैं वो सारे के सारे चेंज आपके सारे ये जितने सारे जो दिए हुए ना, इन सभी में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आपने जितने स्लाइड बनाए ना, उन सारे में इस प्रकार का चेंजेस आएगा। अगर आप किसी पार्टिकुलर स्लाइड पे, जैसे कि इस स्लाइड में, अगर आप चाहते हो कि इस स्लाइड में आप कुछ चेंज लाए, किसी पार्टिकुलर स्लाइड में अलग से चेंज लाना चाहते हैं, तो उस स्लाइड पर क्लिक करेंगे और इसमें, जैसे मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब जब मैं व्यू पर वापस जाता हूँ और नॉर्मल क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट स्लाइड का क्या हुआ कि मैंने जो चेंज लाया था अंडरलाइन करने का, वो अंडरलाइन हो चुका है। लेकिन बाकी सब स्लाइड में बाकी सारे जितने भी स्लाइड है वो सेम आ गए। ठीक है, तो ये होता है आपका स्लाइड मास्टर, यानी एक में अगर आप चेंज करोगे बाकी सब में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है मेरा हैंगआउट मास्टर। हैंगआउट मास्टर होता है क्या कि अगर आप सारे स्लाइड को प्रिंट करना चाहते हैं एक ही पेज में, तो आप यूज करते हैं हैंगआउट मास्टर। इसमें दिखा रहा है कि आप एक पेज में 6 प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, इसको देखने के लिए आप कहाँ जाओगे, विंडोज पर, यहाँ पर जाएंगे, ऑफिस बटन, प्रिंट पर जाएंगे, यहाँ देखिए प्रिंट प्रीव्यू दिया हुआ है। जब आप प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास ऑप्शन देता है कि नोट्स प्रिंट करना है कि हैंगआउट मास्टर, हैंगआउट प्रिंट करना है, हैंगआउट कितना, 6 स्लाइड। तो यहाँ देखिए सारे के सारे स्लाइड नोट्स के साथ आपको दिख रहे हैं पेज पर। तो यही कहलाता है हैंगआउट मास्टर, इस सारे स्लाइड को एक पेज पर लाया जा सकता है। आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है नोट मास्टर। नोट मास्टर होता क्या है कि आप हर एक जो भी आप प्रेजेंटेशन देते हो, जो भी आप स्लाइड देखते हो, उसके स्लाइड के नीचे ये देखिए ये नोट्स दिया हुआ है हर एक स्लाइड में, नोट्स पेज 1, नोट्स पेज 2, ये हर एक स्लाइड में दिया हुआ है। अब जो भी आप नोट्स यहाँ टाइप करोगे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ स्लाइड 1, क्या है, द इंटरनेट, उसी प्रकार मैं नया दे देता हूँ स्लाइड 2, व्हाट इज इंटरनेट, स्लाइड 3, इंटरनेट पिक्चर, स्लाइड 4, बेसिक सर्विस ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इसी प्रकार स्लाइड 5 कर देते हैं, थैंक यू। ठीक है, तो जो भी मैंने यहाँ नोट्स बनाया है, अब मैं चलता हूँ यहाँ व्यू टैब पर। व्यू टैब में यहाँ देखते हैं नोट्स मास्टर। नोट्स मार्च पर व्हाट्सएप पर मैं जब क्लिक करता हूँ और यहाँ जो
जिस डिजाइन से आपको नोट्स दिया हुआ है इसका मैं क्या कर देता हूँ, स्टाइल वगैरह चेंज कर दे देता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसका स्टाइल चेंज कर दिया। अगर इसका साइज बढ़ाना है तो साइज भी बढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत, जो इसमें मैंने चेंज किया। इसी प्रकार का आपका जो चेंजेस होगा वो कहाँ दिखेगा, प्रिंट प्रीव्यू में। जब आप इसका प्रिंट देखेंगे, नोट्स का प्रिंट पर जाकर प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, यहाँ से आप हैंगआउट की जगह नोट्स कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका सारे के सारे उसी डिजाइन में आपको दिखेंगे। ठीक है, 1 2 3, आपका ये जो साइज मैंने दिया था उस साइज में हो गया। और ये क्या हुआ, जो मैंने फॉन्ट स्टाइल चूज किया था उस फॉन्ट में आपको दिख रहा है। सॉरी, ये ही होता है आपका नोट्स मास्टर, क्या आपने सब में चेंज किया था, सब में चेंज हो गया।